शार्क टैंक इंडिया की एक ऐसी सच्चाई जो आपको नहीं पता। तो गाइस अभी ना मैं एक पुराने सीजन के फाउंडर्स का इंटरव्यू देख रहा था, मीटियोर का। तो उन्होंने सीजन वन में 3 शार्क से 30 लाख रुपए में 20% की डील करी थी और उनका एनुअल सेल्स 1.5 करोड़ था उस टाइम पर। और आज के दिन उनका मंथली सेल्स, मंथली रिवेन्यू 1.5 करोड़ हो रहा है। ऐसे में सोचने वाली बात तो यही है कि अब उन शार्क्स के पैसों की वैल्यू भी 10 से 12 गुना होगी होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने डील से बैक ऑफ कर लिया था, तो वो डील हुई ही नहीं थी। दोस्तों एक ऐसी ही डील अमन ने भी की थी, जब अपने कॉम्पेटिटर हैमर को 1 करोड़ दे के 40% इक्विटी की डील की थी। तो वो डील में भी दोस्तों फाउंडर जो है वो बैक ऑफ कर गया था। और होगा भी क्यों ना गाइस, जब करोड़ों की सेल हो रही है और शार्क टैंक के एपिसोड के बाद तो वैसे भी 5 से 6 गुना सेल बढ़ गई थी हैमर की, तो क्यों ही कुछ लैक्स में अपनी कंपनी का इतना बड़ा हिस्सा वो देंगे। तो ऐसे गाइस काफी सारी डील्स में होता है कि बाद में फाउंडर बैक ऑफ कर जाते हैं और वो डील कैंसिल हो जाती है, क्योंकि मेन फाउंडर्स को एक्सपोजर लेना होता है शो में आकर। और वैसे भी गाइस वहां पर डील होने के बाद नेगोशिएट भी होता है, और उसके बाद भी बात नहीं बनती तो वो डील कैंसिल हो जाती है। और गाइस इस सीजन में भी हमने ऐसा काफी बार देखा है कि करोड़ का रिवेन्यू हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, और शार्क्स उनके बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा कुछ लैक्स में ही ले लेते हैं। ऐसे में दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इनमें से मोस्ट ऑफ द डील्स सक्सेसफुली हो पाएंगी। टीवी पर आने के बाद मोस्टली मना ही कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही टीवी पर आते हैं उनकी सेल्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में दोस्तों मोस्टली फाउंडर्स को फंडिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी करोड़ों में सेल्स हो रही हैं, और अगर करोड़ों में सेल्स हो रही हैं तो उनको कहीं से भी इजीली लोन मिल जाएगा। बात सिर्फ एक्सपोजर की होती है। और शार्क टैंक में एक बार पिच टेलीकास्ट हो जाती है ना टीवी पर, तो वो बिजनेस की करोड़ों रुपए की मार्केटिंग हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह की और भी अपडेट्स जानने के लिए शार्क टैंक से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।